हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास एंड वेलकम टू माय चैनल जयपुर राइडर। और ये है अभिषेक की 164V, जिसमें आज मैं मीटर मॉडिफाई करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ टाइम पहले भी 204V का मीटर मॉडिफाई किया था, बट उसमें और इसमें एक डिफरेंस है कि इसकी जो बैकग्राउंड की लाइट है वो येलो आती है एंड उसमें वाइट थी ऑलरेडी। तो और जो मैं मीटर मोड करता हूँ उसमें येलो बैकग्राउंड या किसी और कलर्ड बैकग्राउंड में अपन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी बैकग्राउंड की लाइट चेंज करनी ज़रूरी होती है। काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि कैसे होगा कैसे होगा, तो उनके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। एंड एक और इसमें देखेंगे अपन कि इसमें 204V का मीटर अपन लगा के देखेंगे, अगर इसके लिए भी 204V के मीटर के लिए भी काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि 164V में अपन 204V का मीटर लगा सकते हैं क्या। तो आज वो अपन ट्राई करेंगे इसके अंदर, तो लेट्स सी। हाँ जी भाई लोगों, तो इसकी जो बैकग्राउंड की लाइट है वो येलो है, तो इसमें दिक्कत क्या है, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है। मैं बोलूँगा नहीं किसी को भी कि 164V के ऊपर काम करें। मैं रात को काम शुरू किया था, बट अभी मैंने नेक्स्ट डे उठ के फिर इसको कंटिन्यू करा है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। ये ऑरेंज है एंड ये मैंने अभी नहीं लगाई है जो वाइट है। हाँ जी भाई लोगों, इसमें येलो बैकग्राउंड था, अब वाइट हो गया है। तो इसकी फिल्म चेंज करते हैं। फिल्म का प्रोसेस वही रहेगा जो 204V में था, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। इसकी फिल्म उतारेंगे एंड इसको चेंज कर देंगे, बस इतना ही काम है इसमें।
हाँ जी भाई, लोगो कंप्लीट है ये, और इसको मैंने ब्लू कलर में किया है, ब्लू मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा था थोड़ा। तो 164 मीवी और 204 वी, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ इसकी एलईडी का है, ठीक है। जो इसकी एलईडी है इस मीटर में, अपाचे में जो एलईडी आती है वो पीएलसीसी 4 टाइप की आती है, ठीक है। पीएलसीसी 4 और पीएलसीसी 2 ये दो मेजरली काम आती है, बट पीएलसीसी 4 अपने मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मिलती हुई तो बहुत बहुत मुश्किलों से मिलेगी। मैं अभी किसी से लेके आया हूँ। तो पीएलसीसी 4 एलईडी क्या होती है, उसमें चार पॉइंट होते हैं, चार पॉइंट मैं आपको अभी इसमें फोटो में दिखा दूंगा, चार पॉइंट होते हैं। तो इन चारों का कनेक्शन करना पड़ता है, और पीएलसीसी 2 में सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं, मतलब इसमें चार पॉइंट हैं, और पीएलसीसी 2 इस तरह की होती है, इस तरह की, इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस इसमें यही है इसकी एलईडी का। तो इसकी एलईडी अपन को पीएलसीसी 4 ही लगानी है अगर मिल जाए तो, अदरवाइज पीएलसीसी 2 भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है इसमें कि आपको पीएलसीसी 4 ही लगानी है। मैं आपको एक बार इसकी एलईडी खोल के दिखा देता हूँ। इसमें जो स्टॉक एलईडी थी वो येलो कलर की थी, इस कलर की, ठीक है। ये जो ऊपर येलो आपको दिख रहा है, ऑरेंज सा, ऑरेंज येलो जो भी आप इसको बोलना चाहो, तो इसमें येलो बैकग्राउंड था, आपने शुरुआत में देखा था। अपन ने इसमें एलईडी चेंज करी है, तो एलईडी चेंज इसमें जो लग रही थी स्टॉक एलईडी वो पीएलसीसी 4 टाइप की थी, पीएलसीसी 4, ठीक है। तो पीएलसीसी 4 में चार पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, तीन नेगेटिव होते हैं, बट पीएलसीसी 2 में दो ही पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अपन दोनों को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन को पीएलसीसी 4 ही लगानी है, बट मैंने ये स्पेशली एलईडी पीएलसीसी 4 के हिसाब से मैं लेके आया था। 164 भी में मेरे पास काफ़ी सवाल आए थे कि आप 164 भी में 204 भी का मीटर लगा सकते हैं क्या। तो मेरे पास 204 वी का मीटर पड़ा है, ये 204 वी का मीटर है, ठीक है। तो ये अपन 204 वी का मीटर भी उसमें लगा के देखेंगे कि परफेक्टली काम करता है कि नहीं। गियर इंडिकेटर काम नहीं करेगा इसका, बाकी सब वैसा का वैसा काम करेंगे, और ये उसके बाद में इसमें फिट कर देंगे, एंड अभिषेक को बुला लेंगे, अभिषेक ले जाएगा अपनी गाड़ी। बस इतना ही है, अब मैं इसको पैक करता हूँ और फिर चलते हैं अपन गाड़ी पे। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हाँ जी भाई लोगों, जैसे कि मैंने बोला था सीधा बाइक पे मिलते हैं, तो सीधा बाइक पे हैं अपन। यह है 164 वी का और यह है 204 वी का। इन दोनों की पहचान कैसे मैं बताता हूँ आपको, ये स्टिकर देखिए, 204 वी का मीटर वाइट कलर के स्टिकर में आता है, एंड 164 वी का मीटर आता है थोड़ा सा ये कलर पिंक सा, ठीक है। तो मैं पहले तो ये लगाता हूँ, तो स्टार्ट करता है। ये है 164 वी का मीटर लगाने के बाद में, एंड
फिर से देख लो एक बार। तो ये कंप्लीट है, मैं बस अभी अभिषेक को फ़ोन करूँगा और वो ले जाएगा। अब अपन लगाते हैं इसमें 204V का मीटर, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ये है 204V का मीटर। गियर इंडिकेटर इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसा का वैसा सही है, सब रहेगा। तो ये अभिषेक की है, अब इसमें वो मीटर मैं लगा देता हूँ 164V का, देन इसको पैक कर देता हूँ।